बस इतना ही आपके लिए गांधी जी ट्रेलर हो सकते हैं, हमारे लिए गांधी जी जिंदगी है। जब मैं माननीय अधीर जी को देखता हूं, सुनता हूं, तो मैं सबसे पहले किरण रिजिजू की जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार अधीर जी बहुत बढ़िया ढंग से कर भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ साथ जिम भी करते हैं। तो ये फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। कल यहां स्वामी विवेकानंद जी के कंधों से बंदूकें फोड़ी गई। आपने उसको रिकॉर्ड पर से निकाल दिया है, इसलिए मैं उल्लेख तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक पुरानी एक छोटी सी कथा याद आती है। एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे गति पकड़ती थी, पटरी में से आवाज आती है, हम सब जानते हैं, सबका अनुभव है। तो वहां बैठे हुए एक संत महात्मा थे, उन्होंने कहा देखो पटरी में से कैसी आवाज आ रही है, ये निर्जीव पटरी भी हमें कह रही है प्रभु कर दे बेड़ा पार। बोले देखो यही आवाज आ रही, सुनो प्रभु कर दे बेड़ा पार। तो दूसरे संत ने कहा नहीं यार, मैंने सुना, मुझे तो सुनाई दे रहा है प्रभु तेरी लीला अपरंपार, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो वहां एक मौलवी जी बैठे थे, उन्होंने कहा अरे भाई मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा। इन संतों ने कहा भाई आपको क्या सुनाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा मुझे सुनाई दे रहा है ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत। तो वहां एक पहलवान बैठे थे, उन्होंने कहा मुझे भी सुनाई दे रहा है, तो पहलवान ने कहा मुझे सुनाई दे रहा है खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर। कल जो विवेकानंद जी के नाम से कहा गया, जैसी मन की रचना होती है वैसा ही सुनाता है, जैसा वैसा है। आपको ये देखने के लिए इतना दूर नजर करने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत कुछ पास में है। ये सुरेश जी क्यों हंस रहे हैं जी, कोई राज है भाई।
सूरज जी कभी आपका भी मौका आएगा इतना जल्दी में। आज हम कहां हैं उसका पता तब चलता है कल कहां थे, और वो भी ये बात सही है कि जब हमारे माननीय सदस्य ये कहते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कब होगा, ये कैसे होगा, कब तक करेंगे, ये जब सुनता हूं तो कुछ लोगों को लगता होगा कि आप आलोचना करते हैं। मैं नहीं मानता हूं आप आलोचना करते हैं। मुझे खुशी है कि आप मुझे समझ पाए हैं, क्योंकि आपको विश्वास है करेगा तो यही करेगा। और इसलिए मैं आपके इन बातों को आलोचना नहीं मानता, मार्गदर्शक मानता हूं, प्रेरणा मानता हूं, और इसलिए मैं इन सारी बातों का स्वागत करता हूं। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि आपने मेरे प्रति विश्वास जताया है। ये भी काम हम ही करेंगे। हाँ, एक काम नहीं करेंगे, एक काम न करेंगे न होने देंगे, वो है आपकी बेरोजगारी नहीं हटने देंगे। देखिए, मैं किसानों से बहुत कुछ सीखता हूं। किसान जो होता है ना, वो बड़ी गर्मी में खेत जोत करके तैयार रखता है, बीज बोता नहीं, उस समय सही समय पर बीज बोता है। तो अभी जो पिछले 10 मिनट से चल रहा है ना, वो मेरा खेत जोतने का काम चल रहा है। अब बराबर आपके दिमाग में जगह हो गई है, अब मैं एक एक करके बीज डालूंगा। फॉर्मल सेक्टर में अजरंजन जी, मैं ऐसा करता हूं, आप एक समय तय कीजिए, आपको जितना कहना है मैं दोबारा बैठ लूंगा, क्योंकि ये सब लोग पीछे हंस रहे हैं और आपकी प्रतिष्ठा को झटका लगे अच्छा नहीं। सत्तर साल की देश की राजनीति ऐसी रही है कि कोई कांग्रेसी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना, उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही है, तो 6 महीने का समय तो अच्छा है। लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूं। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीने आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी,
रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। अधीर जी देखिए, आपने इतनी मेहनत की है, आपका सीआर अब ठीक हो गया है, चिंता मत नहीं, आपका सीआर ठीक हो गया है आपका सीआर ठीक हो गया। माने अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था, और शायद इस स्थिति को बड़ी सटीक तरीके से, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पब्लिक सब जानती है, सब समझती है।